वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दवा जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेप एग्जाम ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि इस चैनल पर आप नए आए हो दवा जानकारी को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेप एग्जाम ओरल सस्पेंशन है, ये दोस्तों इंटरलैब का है और इसका ब्रांड नेम है दोस्तों मोरवीसेप ड्राई सिरप, जो आपको मेडिकल शॉप से इसी नाम से मिलता है। इनके अलावा दोस्तों आपको दूसरे कंपनी के ब्रांड जैसे जीफी 50, इनके अलावा एरिसेफ ओ, ओमनेटेक्स ओ, जीप्रॉक्स 50 के नाम से भी मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका यदि प्राइस के बारे में बात की जाए, तो इसको पैकिंग है दोस्तों 12 ग्राम 30 ml में, और उसका कीमत है दोस्तों 65 रुपीज़। और एक शेड्यूल्ड ड्रग का प्रोडक्ट है, मतलब दोस्तों डॉक्टर का सलाह लेता हूँ सस्पेंशन को यूज करने से पहले। इसका कंटेंट है दोस्तों सेपेक्साइम 50। सेपेक्साइम दोस्तों एक सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार बैक्टीरिया को ये खत्म करता है, उसको ग्रोथ को रोकता है दोस्तों। दोस्तों ये जो दवा है, इसको स्पेशली यूज किया जाता है पीडियाट्रिक यूज ऑनली, मतलब छोटे बच्चों में इस ड्राई सिरप यूज किया जाता है। जब दोस्तों बच्चों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फेफड़ों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें बच्चों को निमोनिया, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, उसके सर्दी जुकाम फीवर आ चुका है, खांसी हो रहे हो, कफ जैसा आ रहे हो, इन कंडीशन में दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है। इनके अलावा भी थ्रोट में किसी तरह के इन्फेक्शन में उसको इरिटेशन, उन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। पेट में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें उसमें स्टमक में पेन हो सकता है, जो खाना खा रहे हो वोमिटिंग हो जा रहा है, उस कंडीशन में। इनके अलावा कानों में किसी तरह का इन्फेक्शन है उस कंडीशन में, पेशाब मार्ग मतलब यूटीआई किस इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में यदि इन्फेक्शन है उस कंडीशन में, ये जो ओरल सस्पेंशन है दोस्तों इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा दवा है, एंटीबायोटिक में बहुत ही सेफ माना जाता है इसको, बहुत ही फेमस एंड यूजफुल एक ओरल सस्पेंशन है दोस्तों। यदि बात किया जाए तो इस ओरल सस्पेंशन का दोस्तों डोसेज के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है एक वाटर फॉर्म और एक पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। इस दोनों को ही मिला के उसको सेक करके सिरप तैयार हो जाता है दोस्तों। तो जिसका जो डोसेज रहता है, इसके बारे में दोस्तों आप अपने डॉक्टर का सलाह लें, क्योंकि जो इस दवा का डोसेज रहता है वो डिपेंड करता है जो बच्चे का इन्फेक्शन है उसके ऊपर, उसका जो एज है और उसका जो वजन होता है उसके ऊपर दोस्तों। तो डोसेज के बारे में दोस्तों आप अपने डॉक्टर का सलाह ले सकते हो। जय दोस्तों, ये जो सस्पेंशन है आप अपने बच्चों को दे रहे हो उस कंडीशन में, इन सारा बातों को जरूर डॉक्टर को बताएं। जैसे यदि आपका बच्चे है उसको किसी तरह का अन्य बीमारी ऑलरेडी है शरीर बॉडी में, जैसे लिवर किडनी से जुड़ी किसी तरह का समस्या है या अन्य किसी तरह का मेडिसिन चल रहा हो, तो उस कंडीशन में इन सारा बातों को जरूर डॉक्टर को अवगत कराए। दोस्तों आप जान लेते हैं सस्पेंशन का साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें यदि आपको सूट नहीं होता बच्चों में, उसमें कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है कॉमनली, जैसे उल्टी हो सकता है, नोजिया, डायरिया हो सकता है, एलर्जी का रिएक्शन, स्किन में रैशेस, इचिंग, डॉजीनेस, एब्डोमेन में पेन। तो ये और इनके अलावा दोस्तों यदि अन्य कोई साइड इफेक्ट महसूस होता है, तुरंत ही ये जो सस्पेंशन है इसको लेने को स्टॉप करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो यही था दोस्तों सेपेक्साइम ओरल सस्पेंशन के बारे में सब कुछ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को जोर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।